जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश रामचरित मानस से खुला मंच मन पसंद रचना बड़ी अच्छी अच्छी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। कथा प्रसंग आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने पिता के वचन निभाने के लिए 14 वर्षों को वनवास को चले जाते हैं। साथ में माता जानकी और लखनलाल जी भी हैं। भरत अपने ननिहाल में होते हैं, यहां से दूध भेजा जाता है। भरत जी अपने ननिहाल से आते हैं, उन्हें पता चलता है कि माता कैकेयी की करतूती है जिससे आज सारी अयोध्या का विनाश हो गया। पिताजी स्वर्ग लोक को चले गए, भैया वनवास को चले गए। आज भरत जी इतने व्याकुल हैं, सारी मर्यादाओं को लांघते हैं और माता कैकेयी से क्या कहते हैं। संभाल नहीं पा रहे क्या कहते हैं। Oh!
बने हमारे बड़े भाई बद्री कुमार जी, आपकी ओर से 21 रुपए की राशि प्रदान हुई। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद, भगवान से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करने की नहीं। सुनो भवन लागे सुनो सिंहासन हमारे बड़े भाई विष्णु गोस्वामी जी मंडी दीप आपकी ओर से 21 रुपए की राशि मंडल को और 21 रुपए की राशि हमारे ढोलक मास्टर को दान हुई। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद, भगवान से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं। राम लखन वन वास पठाए, राम लखन वन वास पठाए, कैसी कुमाती लगाई जरस दया नहीं आई, वर मांगत तो है भाई नहीं जो राजभवन में रहते थे, उस विवाहवान वन में कैसे चलेंगे जहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आते। क्या तेरी ममता लूट गई, तेरी ममता खत्म हो गई जो तूने अपने लाल को बनवास दे दिया, क्या कहते हैं। ओ मरमागत तो है भाई नहीं, क्या कहते हैं भरत। आज बड़े व्याकुल हैं, मैं वो भरत नहीं हूं जो राजपाट के लिए अपने भाई का त्याग कर दूं। मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे प्रभु श्री राम मेरे बड़े भाई की छवि विराजमान ही, क्या कहते हैं। ओ हर पल मेरे तन मन में, क्या कहते हैं। वो हर पल मेरे तन मन में मेरे रघुबर की ये निशानी है, वो सहने वाले सहते हैं। इस दुख को सहने वाले सह सकते हैं, लेकिन ये भरत है और भरत भैया इको कम कर देंगे। हेलो, वो सहने वाले सहते हैं, ये भरत की बात निराली है, भरत की बात निराली है, भरत की बात निराली है, ये भरत की बात निराली है, भरत की बात निराली है, ये भरत की बात निराली है, भरत की बात निराली है, ये भरत की बात निराली है, भरत की बात निराली है, भरत की बात निराली है। रघुबर की ये सहने वाले सहते हैं। ये भरत की बात निराली है, भरत की बात निराली कि आज अयोध्या में बड़ा खुशी का माहौल था। भैया राम राजा बनने वाले थे,
ऐसे खुशी के मौके पर आपने भी बोल दिया, क्या कहते हैं? मेरी माय तूने, 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 ऐसे तब कैसा गाया? ओ भाई राम को तूने बल अयोध्या को उजाड़ दिया, क्या कहते हैं? ओ खुशी का तमोगा इसे है गवा, खुशी का तमोगा इसे है गवा, खुशी का तमोगा इसे है गवाया, ओ खुशी का तमोगा इसे है गवाया, ओ भाई राम को तूने बल भिजवा, और क्या कहते हैं कि मैं अपने भाई के बगैर, मेरे प्रभु श्री राम के बगैर अयोध्या में राजपाट नहीं करूंगा, मैं भी उनके साथ जब तक वो वन में रहेंगे तब तक वन में रहूंगा, ऐसा कहकर भरत जी भी बन जाने की तैयारी करेंगे। तीनों माताएं, सारी सेनाएं, गुरु आज सभी वन के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज चित्रकूट में निवास करते हैं। चित्रकूट में आज सत्संग चल रही है, भरत जी उनसे मिलने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं। क्या होता है? प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज सत्संग में लगे रहते हैं। भरत जी आज चित्रकूट की कुटिया के द्वारे पर पहुंच जाते हैं, अपने भैया को निहारते हैं, आंखों में अविरल अश्रुओं की धारा है, जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का चरण पकड़ लेते हैं। क्या होते हैं? ओ भरत प्रभु को देख रहे उचरण पकड़ के, उचरण पकड़ के प्रभु को पुकारा, चरण पकड़ के प्रभु को, चरण पकड़ के प्रभु को पुकारा, ओ लखन लाल ने दिया ईशा, इशारा करते हैं
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की नजर भरत पर नहीं पड़ती है। लखनलाल जी कहते हैं कि भैया अपना भाई भरत, अपना प्यारा भरत आ गया है, क्या कहते हैं? ओ लखनलाल ने आई हमारे बड़े भाई नरेंद्र पटेल जी सूरज जो सारे राम सत्ता के मंचों की आन बान और शान है, जिस भी मंच पर हमारे बड़े भैया नरेंद्र पटेल जी सूरजपुर नहीं दिखते, वो मंच अधूरा लगता है उनके बगैर, हमारे मार्गदर्शक है और सभी राम सत्ता भजन गायों की जान है। आपकी ओर से 251 रुपए की राशि प्रदान हुई, मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। रामदेव बाबा से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे बड़े भैया को दिन दुनी रात जो उन्नति दे और ऐसे ही हमारी हिम्मत बनकर हर मंच पर खड़े रहे। प्राणों से प्यारा, प्राणों से प्यारा आंखों का तारा, प्राणों से प्यारा आंखों का तारा, प्राणों से प्यारा आंखों का तारा, प्राणों से प्यारा आंखों का तारा। उड़ क्या कहती है भरत जी, रंग रंग में हो तुम रंग प्रभु, आप मेरे रग रग में मेरे कड़कड़ में विराजमान हैं, पर मैं बड़ा भागा हूं, किस्मत का मारा हूं, आज आप मेरे कारण बट बट भटक रहे हैं। मैं आपके बगैर अयोध्या में राज नहीं करूंगा भैया, क्या कहते हैं? चरण पकड़ेंगे प्रभु को पुकारा, और 101 रुपए की राशि परम आदर सम्मानीय हमारे बड़े भाई भरत यादव जी काजी जानकी बैतूल आपकी ओर से प्रदान हुए, मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। रामदेव बाबा से आशीर्वाद कामना करते हैं।